हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सैसी डस्की एंड शुभा ब्लॉग्स। तो हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से ट्रैक पे और ये हमारे घर का रास्ता है। यहाँ से हम जा रहे हैं स्कूटी पे एंड उसके बाद बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। ओके यप गाइस, तो मैंने अपनी पहले के वीडियोस में बताया है कि आरंबोल से स्वीट लेक से एक ट्रैक है जो मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रही। दैट इज़ लास्ट बीच ऑफ गोवा, मतलब यहाँ महाराष्ट्र बॉर्डर शुरू जाता है, दैट इज़ केरिम बीच। और वहीं हम जा रहे हैं फिर से, मतलब अब ट्रैक के लिए देखो आज हो पाता है कि नहीं। पांडू फ़ोन पे लगा हुआ है और ये रहा अपना आरंबोल बीच। तो ये रास्ता है वो स्वीट लेक के लिए, आरंबोल से इधर मार्केट होते हुए छोटी सी लगती है। यहाँ पे पूरे लेन भरा रहेगा ऐसे ही इसी मार्केट से। तो ये हम आ गए हैं स्वीट लेक वाला बीच एंड पांडू जा रहे हैं स्पीड से बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी लेट। हमें उधर जाना है, उससे चढ़ के जाना है गाइस। तो ये पास आ गया है और यहाँ चढ़ के ऊपर जाना है। हमें नहीं पता रास्ता कैसे है, कहाँ से है। एंड द थिंग इज़ कि केरिम बीच तक पहुँच पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता, बट ऊपर तो जाना है आज गाइस। तो ये बारिश के मौसम के जो मॉनसून गया है उसकी वजह से काफ़ी यहाँ डेंस हो गया है, तो रास्ता बड़ी मुश्किल से ढूंढ के हमने निकाला है। हाय, गाइस तो थोड़ा ऊपर तुम लोग आ गए हैं, नज़ारे आप देख ही रहे हो। मुझे ये बताओ इस पे कैसे जाना है। पहले मैं जाता हूँ, देखते हैं। एक रास्ता इधर से भी गया है, इधर अंदर से भी, अगर तुम्हें ये वाला सही रहेगा तो तुम पहले के जाओगे, मुझे तुम्हें पकड़ना भी तो पड़ेगा। अच्छे कपड़े, फ्लेक्सिबल कपड़े पहन के आइए। यहाँ पे कौन आ रहा है किसी को पता भी नहीं होगा ये। फक मैन, देखो गाइस ये बीच से हम काफी ऊपर आ चुके हैं। हाँ बढ़िया नज़ारा है। एक रास्ता यहाँ जा रहा है पर हमें तो कहीं दूसरी छोर पे जाना है, तो ये पगडंडी फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है, वाव। दिखाती हूँ आपको मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ। उस जो दूर वाली पहाड़ी है उसके पीछे आरंबोल, उधर ये स्वीट लेक, यहाँ से हम लोग फिर ऊपर आ रहे हैं। हाँ तो गाइस हम लोग पता है कहाँ खड़े हैं, अब तो नॉर्मल लग रहा होगा ये। आई विल शो यू, प्लीज सी दिस। अलग लेवल। ये प्यारी सी बटरफ्लाई हमें रास्ता दिखाते हुए अभी झाड़ी में लगे जाएगी, झाड़ी में चली होंगी गाइस। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का तार भी है तो पता नहीं कहाँ कनेक्ट हो रहा है। हम कभी यहाँ पे कैंपिंग भी करेंगे तार काट के, जैसे अपने यूपी में करते हैं ना। गाइस हम तब से चले जा रहे हैं, काफ़ी दूर भी आ गए, बस ये पगडंडिया रास्ते फॉलो कर रहे हैं। हमें खुद भी नहीं पता ये पहुँचा कहाँ रहा है। एंड दिस इज अमेजिंग ट्रैक प्लेस यार। एंड मुझे लगता है ये ट्रैक का गूगल पे होगा या कहीं किसी को पता भी होगा, मतलब इसको कह सकते हैं हिडन प्लेसेस नियर आरंबोल स्वीट लेक, ऐसा कह सकते हो आप। इंडियंस मतलब देखो अब रास्ते में कोई मिला ही नहीं हमें, तो इट मींस ना कि यहाँ सिर्फ रास्ते बनाए विक्टर है। विक्टर
जो 50 साल पहले मर चुका था, बट इज अ फ्रेंडली भूत यू नो, वो हमें रास्ता बताता है, उसके बारे में बताएंगे। गाइस अपना खाने पीने का भी लेके आओ, हम तो घर से कॉफ़ी बना के लेके आए हैं, जो अभी हम लोकेशन ढूंढ के कहीं ना कहीं तो पियेंगे। अब ये देखो रास्ता, ये देखो इसे गुफाओं में होते हुए जा रहे हैं, मस्त। लौटेंगे कैसे, जहाँ भी उतरेगा ना वहाँ से लगता है मुझे टैक्सी टुक्सी लगी, क्योंकि जब तक तो अंधेरा हो जाएगा। चले तो आए हम चौधरी बनके, शेर समझते हैं हम लोग अपने आप को। हाँ गाइस, तो फाइनली हमें एक दूसरा छोर तो दिखाई दिया, देखो वो रही बीच, अगर आपको भी दिख रहा है जैसे कहो ना प्यार मूवी में एक आइलैंड पे जाते हैं ना, किस मूवी में कहो ना प्यार में, हाँ उसका भी नहीं आ रही है, तो झंडा दिखाना पड़ेगा, वहाँ जाए कैसे, वहाँ जाना कैसे, ये क्या सही है, यहाँ से नीचे से कोई रास्ता नहीं है, ये हाँ उधर से है ना। गाइस हमने कितने बजे ट्रैकिंग शुरू की थी, हमने हाँ 5:30 शुरू की थी, 6:30 पे यहाँ सनसेट होता है, क्या टाइम हो रहा अभी, अभी 6:28 पे सनसेट था अभी आज। चलो यार अभी रास्ता ढूंढूं मैं, यार ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये जो पेड़ है वहाँ पे, मेरा तो मन कर रहा है उस पहाड़ी के पेड़ पे वहाँ भी जाऊँ। हमें यह रास्ता ढूंढते हुए लग रहा है कि जैम्ड है अब, और हमें उस बीच पे जाना है, दिखाऊं ये देखो कैसे बैठ बैठ के जा रहा है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, सेफ है ये पता, फिसल भी बहुत रहा हूँ, आगे रास्ता है भी, यार मैं कैसे आऊंगी अगर तू पहुंच भी गया, वहां नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, अबे घट, वो Guys, I don't like it. You like it. I know you like it. Guys, ट्रैक में ज़रा सा भी ध्यान हटता है ना तो ऐसी हालत होती है, क्योंकि रास्ता पता नहीं जाना कहाँ है। Shit. उठ जाओ, जाओ, जाओ। मैं कह रहा आराम से यार। ये फिसल क्यों रहा माधव? राम से भाई फोन रख दो, इतना इजी नहीं है लगता है बस देखने वालों को। भाई साहब मेरी टोपी उतर गई, गिर गई मैं 2-3 बार, तो मैं ये कहूँगी इतना इजी नहीं है ट्रैक, थोड़ा सा अच्छे शूज पहन के आओ, साला मैं फोन पे बतियाने लगी थी। और यहाँ पे मौत भी है साइड साइड में, ध्यान से ये देखो, ये वाला जो पत्थर है ना ये आपको फिसलवा देते हैं। अब ये यार हम लोग कोई तो एंड पे आए हैं, हाँ तो जाते वक्त वहीं से जाएंगे। चलो मैं बंद कर रही हूँ, वो देखो झंडा लगा है, वहाँ पहुँचना है, देखते इसका नाम क्या है। गाइस तो फाइनली हम पहुँच गए हैं केरिम बीच, साला आई थिंक 2 बार लास्ट जब गोवा आई थी तब से मैं ट्रैक करने का सोच रही हूँ, एंड फाइनली पता नहीं कहाँ कहाँ से होते रास्ता ढूंढते हुए, क्योंकि पेड़ वेड़ इतने उग गए, मैं वो झंडा भी लगा यहाँ पहुँचने में, क्या बोले जा रहे हो फिर से बोलो। मैं कह रहा हूँ गाइस हमें पूरा 1 घंटा 20 मिनट लगा यहाँ पहुँचने में, और रास्ते में कुछ पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है क्या करना है, खुद से ढूंढ ढूंढ के ये देखो यहाँ तक, और यहाँ पहुँचने के बाद बहुत मजा आ रही है, आई लाइक इट। बट यार डेंजर नो सेल्फी जोन लिखा है यहाँ इन्होंने, हाँ कितनी शांति है, अब हम यहाँ अपनी कॉफी पियेंगे। अबे जाएंगे कैसे अंधेरे में, टॉर्च लाया हूँ मैं, टॉर्च लाए हो, वाओ क्या शांति है, भैंस की यहाँ कोई है ही नहीं, बहुत कम लोग, और मेन बात गाइस हम लोग अब महाराष्ट्र में हैं, अब हम महाराष्ट्र में, एग्जैक्टली हम महाराष्ट्र बॉर्डर पे आ चुके हैं, आई थिंक इसे गोवा का लास्ट बीच बोलते हैं, कैरी बीच व्हाटएवर, मुझे दो लोग दिख रहे हैं आते हुए बस, व्हाट अ प्लेस मैन, सो रोमांटिक। अब यहाँ हमें एक मंदिर दिख गया है तो जाऊंगी तो ज़रूर।
गोवा में मैं कभी आज तक कोई मंदिर गई नहीं हूँ और मुझे जाना था, सो डेफिनेटली आई विल गो। शिव यहाँ बैठ के हम कॉफ़ी भी पी सकते हैं। जहाँ कोई नहीं वहाँ मिला भगवान। गाइस, ट्रैक के बाद एक सुंदर सा मंदिर मिला है और इसको देख के लग रहा है ये बहुत पुराना है। हाँ, ये बहुत पुराना बना है। शिव जी का है और बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। आई लाइक इट। ये सब आर्किटेक्चर भले नए हैं इसके बाद, लेकिन ये सब बहुत पुराना है ये मंदिर। गाइस, आई लाइक इट। अरे क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? ये तो मैं ही हूँ। तो गाइस, ऐसे ट्रैक का बेस्ट फ़ायदा पता क्या मिलता है? एक तो ट्रैक से आते ही कितना सुंदर व्यू मिला है, उसके बाद ऑफ कोर्स ये मंदिर, और दूसरा मैं बताता हूँ, आई टेल यू, छोटी सी टपरी। तो टपरी मतलब चाय, चाय मतलब मज़े, भैंस की आँख। गाइस, हमारे पास व्यू भी है, टपरी भी है, और हमेशा तो मैं ही हूँ, ये तो बट मैं भी हूँ, लेट्स गो। तो गाइस, चाह ऑर्डर कर लिया है महाराष्ट्र में। अब मैं गाइस एक चीज़ बताता हूँ, तो ये मैंने मैप्स में डाल दिया कि हमारा जो घर है कहाँ पे है, तो यहाँ से 23 मिनट्स 9.2 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आई टेल यू, ये यहाँ पे हमें जाना है और अभी हम यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ ऐसे ऐसे चल के आए हैं, ठीक है? बट अगर हमें रोड से जाना होगा ना, तो ऐसे है ये 9 किलोमीटर का रास्ता जो कि हमने शॉर्टकट में। कैसे जाएंगे हम ट्रैक करके? अब रात भी हो गई तो गाइस देखना है कि कैसे जाना है, तो पता नहीं। ड्रिंक्स वाली फील आ रही है, दारू भी नहीं है कि चढ़ चढ़ा के भाग रहे हैं कहीं, होश में है, चाय के होश में। हाय गाइस, ये मैं हूँ। ओके, तो 7:30 बज रहे हैं शाम के, ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है, बट यार ये केरिम बीच आके इतना पीसफुल लग रहा है ना, कि 4-5 बंदे दिख रहे हैं, एक छोटा सा ढाबा है, वो मंदिर हो गया। सुबह आना पड़ेगा कभी यहाँ पे, मज़ा आएगा, या थोड़ा अर्ली इवनिंग, ताकि यहाँ एटलीस्ट एक घंटा बैठो आराम से, पानी वानी में जाओ। देख लो, सिर्फ फॉरनर्स हैं और एक दो इंडियंस हैं, चिल पड़े हैं यहाँ पे सब। वाओ, क्या फील है, मतलब क्या शांति, मतलब नो वर्ड्स यार, अमेजिंग। क्या लहरें हैं, आई कैन नेवर गेट बोर्ड ऑफ बीच। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है पानी में पैर जाते ही। ये जो पगलैट लड़का है ना, ये देखो रात में कुछ दिख नहीं रहा है, बस यहाँ पे ये लाइट से इसलिए दिख रहा है। अब वो पहाड़ी है वहाँ पे जो दिख भी नहीं रही है, कह रहा ट्रैक करके चलो, टॉर्च है, बताओ जी। ये इससे ले जाएंगे गाइस। तो फाइनली हमने रिस्क ले लिया है कि जाएंगे तो ऐसे ही, क्योंकि 9 किलोमीटर अब कौन गाड़ी बड़ी करे, वॉक वॉक कौन करेगा वॉक। अरे हाँ, सो गाइस मैं गाइड हूँ अभी का। हाँ, ये गाइड बने, मैं रास्ते दिखा रहा हूँ, प्लीज, मैं भगवान हूँ। अच्छा, मैं बंद कर रही हूँ ब्लॉग, बाय। हाँ शिवम, ये कौन है? ये भूत। अच्छा ये बताओ रास्ता, ये जब इसको फॉलो करते हुए चले जाना। हाँ, ऐसे ये भगवान ने आपको भेजा मान ले। थैंक यू भूत भाई, ठीक है, चलो भैया गाड़ी से जाना, नहीं तो गाड़ी, भैया गाड़ी हम इधर आरंबोल पे छोड़ के आए, तो इधर ट्रैक करके आए थे हमने, कभी यहीं से जाएंगे। देखा था आपको आते हुए, देखा था। अच्छा, टोपी के कारण तो आप यहीं थे क्या? नहीं, बीच पे था उधर। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू भैया। तो गाइस, ट्रैक इज नॉट इजी, मुंह के बल गिरी हूं, खून दिख रहा है आपको, बैंडेड अपना फर्स्ट एड किट भी लेके आओ यार, इट्स नॉट इजी गाइस। मुंह पे लगाया क्या यहां?
नहीं नहीं ठीक है, दिखाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो पहुँचते हैं इसी तरह। क्या दिखा रहे हो गाइज? फाइनली हम लोग पहुँच गए, बैठ बैठ के भी आए, घुटने मुँह। गाइज जिस रास्ते से हम लोग गए थे और जिस रास्ते से आए हैं वो टोटली डिफरेंट था। ये जो आए हैं ना, ये कैसे आए, घिस घिस के ऐसा फील हो रहा था कि हम आर्मी में हैं। भाई ऐसा है ना, रात रात में आने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग की थोड़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन अब चलो हो गया, पहला और आखिरी तही रात में चुकी आप। बाय, यहीं पर व्लॉग एंड करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक बढ़ाओ, सपोर्ट करो यार, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं आपको। तो बाय, शलोम।